सुनीता जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। 2019 14 से भी ज़्यादा सीट इस बार 2019 में भारतीय जनता पार्टी को आई, इसका श्रेय किसको जाता है, आप क्या समझते हैं? इसका श्रेय वैसे पब्लिक को जाता है, क्योंकि इस बार जो है पब्लिक ने अपना जो एक अपना रूप दिखाया है, वो ये रूप दिखाया है कि हम उसी को वोट करेंगे जो हमारे लिए काम करेगा, जो हमारी सुरक्षा के बारे में सोचेगा, जो नारी के सम्मान के बारे में सोचेगा, जो युवा वर्ग के बारे में सोचेगा, जो बेरोजगारों के बारे में सोचेगा, जो शिक्षा के बारे में सोचेगा। तो वह हमारे लिए, हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री थे जो हमारे नरेंद्र मोदी जी, और अब बहुत अच्छे वोटों से जो जीत कर आए हैं अपना नरेंद्र मोदी जी, तो उन्होंने उनको सम्मान दिया है और उनको जिताया है। क्या लगता है मैम, आने वाला 10 महीने के बाद विधानसभा चुनाव है, क्या यही लहर उसमें देखने को मिलेगी? बिल्कुल जी, डेफिनेटली मिलेगी, क्योंकि जो सम्मान लोगों ने दिया है वो काम के बल पे दिया है और काम हो रहा है, और एनसीडी भी अपना अच्छा काम अपने। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो इतनी बड़ी जीत की। सभी मीडिया टीम की तरफ से, सभी मीडिया की टीम से तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई हो। मैं भी मीडिया को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिस तटस्थता के साथ आप लोगों ने पूरे चुनाव में रिपोर्टिंग करी है वो बहुत खास है, क्योंकि आमतौर पर कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि कुछ लोग जो भ्रम और साजिश की राजनीति करते हैं उसमें जाने अनजाने मीडिया भी कभी कभी उस चक्र में फंस जाती है, लेकिन मैंने इस बार जो महसूस किया, मीडिया बहुत सजग थी, किसी ने कितना भी कोशिश की कि हम साजिश करें, भ्रम फैलाएं, लेकिन मीडिया ने अपने स्तर पे जांच परख के बाद ही समाचार दिया, जिससे हमको देश में इतना बड़ा जनादेश। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज़ इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।